चलो ओके, चल देखते हैं यक्स प्लस क्या है जी काजल, 300/√3 इक्वल टू 300। ध्यान से देखेंगे ए कम, ध्यान से देखो इस टर्म को पूरा उधर पे देखो कि वेरिएबल वेरिएबल सेम साइड, अनवेरिएबल सेम साइड, x इक्वल टू 300 - 300/√3 कम, ठीक है। इसमें से देख लो 300 इसके पास भी है, 300 इसके पास भी है, देन 300 कॉमन राइट, 1 यहां पर कॉमन हो गया ना, 1 - 1/√3 इन डाउट। अच्छा देखो रूट थ्री, ए 1/√3 है ना, 1/√3 है, इसमें हम लोग ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे वाला रूट जब खत्म हो जाता है डिवाइड करने में अच्छा लगता है, तो नीचे वाले का रूट खत्म करने के लिए क्या करनी है, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां पर रूट थ्री ऊपर में रूट थ्री नीचे में, ओके 300 1 - √3 ए रूट खत्म हो जाएगा 3, ओके। अब इसको जब इक्वल करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस करेंगे ना, इसके नीचे वन रख दो तो 3 बन जाए -√3/ हैंड आउट। अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो 100 3 - √3 ओके 100 3, और इसे रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, इस रूट की वैल्यू होती है 1.732 वैल्यू होती है, तो 100 और इसमें माइनस करेंगे 3 में से, तो 10 - 2 8, 9 - 3 6, 9 - 7 2 1, इसके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट बस यहां पर चला आएगा 126.68। सर हाउ टू कम सर, 1 ए याद करना पड़ेगा ना, नहीं तो अभी तो वर्गमूल सीखो स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर रूट हम लोग परफेक्ट वाला जानते हैं, चलो ये 4 है तो इसका पता है 2 है, चलो भैया 9 है तो इसका पता है 3 है, हम कह रहे चल भैया 8 है तब क्या होगा, बाप रे पता ही नहीं है लफड़ो। अच्छा 8 का इस कारण से ये अभी पॉइंट वाला मैंने बताया नहीं है, पॉइंट वाला बता देंगे ठीक है कैसे निकाला जाता है, तो इसको कर देंगे अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो बस पॉइंट यहाँ पर चलाएगा ठीक है, नोट कर।